बायस लॉ आपका एक गैसियस लॉ है, गैसियस स्टेट जो है आपके तीन चार लॉस फॉलो करती है, बायस लॉ आपका एक चार्ल्स लॉ और आपका जेलुसाक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। तो ये जो लॉज हैं आपके, इसमें आपका वॉल्यूम और प्रेशर ये वेरिएबल्स होते हैं, एन एन टी आर कॉन्स्टेंट। तो आपके एन मतलब मास है, टाइम नंबर ऑफ मोल्स को नहीं जानते थे लोग, मास को। तो रॉबर्ट वाइट का जो स्टेटमेंट था कि भाई द मास ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली टू वॉल्यूम, प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली। उन्होंने ये सब प्रैक्टिकल डाटा से करा रखा था, जैसे पी वी और पी वी का प्रोडक्ट है। मान लो प्रेशर वन ए गिवन है, वॉल्यूम मान लीजिए किसी गैस का, और ये दोनों फैक्टर आपके कॉन्स्टेंट है, पी वी की वैल्यू वन हो गई, ये आपने टू कर दिया तो इसकी वैल्यू हाफ रह गई थी, देन यू वन इसको आपने हाफ कर दिया तो इसकी वैल्यू टू हो गई थी। ठीक है, इसको आप जो है फिर इस टर्म्स में लिख सकते हैं, और इसको आप मैथमेटिकली इस टर्म्स में लिख सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू। ठीक है, इसका हम बायस लॉ का मेथड में यूज करते हैं। उस टर्म में साइंटिस्टों ने जो आपके ग्राफ ड्रॉ करे थे पी और वी के बीच में, तो आपका हाइपरबोला आया था। ठीक है, ये मान लो टी वन टेम्परेचर पे और ये टी टेम्परेचर पे, और टी टू इज ग्रेटर देन टी वन। ठीक है, ये उनके मतलब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थे, और इसमें उन्होंने पी ओवर वन ओवर वी का वीटी ग्राफ खींचा, तो इस तरह ये ग्राफ आया था। ये ग्राफ आपका यहाँ पे मिलता नहीं है, जैसे कुछ लोग दिखा देते, लेकिन डॉटेड ये आपका करें डॉटेड लाइन को आगे बढ़ाए तो ये मिल जाए। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये आपने बॉयज ने आपके जो है ग्राफ खींचे थे उसके बेसिस पर ये कर। अब हम जो है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ग्राफ जो है आपके पी वी के जब पैरामीटर्स चेंज करें तो ये ग्राफ क्या क्या शेप्स ले। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की ड्यूटी है कि इसमें मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों ही इन्वॉल्व होता है। तो जैसे आपकी y बराबर mx प्लस c है, तो आपको कुछ ग्राफ्स के रिलेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, y बराबर mx प्लस c को पहले। तो आपका यहाँ पर क्या क्या आपके पॉजिटिव है, a b c d, और क्या क्या आपके फैक्टर्स इसमें नेगेटिव। तो आप जो है पहले खुद कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर स्टॉप करके फिर इसके सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है आपका ये आपका इंटरसेप्ट सी है, ये एंगल थीटा इस डायरेक्शन, ठीक है, इंटरसेप्ट के साथ बना रहा है। तो यहाँ पर सी भी आपका पॉजिटिव है और एम भी पॉजिटिव। ठीक है, एम बराबर आपका जो है टेन थीटा, ठीक है, वाई एक्स डी वाई बाय डी एक्स। इस ग्राफ में आपका एम पॉजिटिव है और सी नेगेटिव। इस ग्राफ में आपका एम भी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव। इसमें आपका एम नेगेटिव है और सी पॉजिटिव। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख के ही मतलब कोई भी ग्राफ का रिलेशन वगैरह बताएं। आपके दो ग्राफ हैं, एक तो वाई बराबर एम एक्स प्लस मान लो ये सी वन, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी टू। सी वन और सी टू में कौन सा ग्रेटर होगा आपका, ये आपका सी वन हो गया, ये सी टू हो गया, पैरेलल लाइंस है तो आपके इनकी एम तो सेम ही होगा, तो इसमें आपका सी टू इज ग्रेटर देन सी। इस इक्वेशन में दोनों एक पॉइंट से जाती है तो इंटरसेप्ट सेम है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन वाई बराबर एम एक्स, और इसमें आपने मान लिया ये एम वन है और ये x प्लस सी। दूसरी आपकी ये वाली इक्वेशन बनेगी वाई बराबर एम एक्स टू एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपका जो है
तो दूसरी इक्वेशन है उसमें आपका एम टू ज्यादा है तो एम टू ग्रेटर है। तो ये सब कंपैरिजन के क्वेश्चन ग्राफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राफ का एक ना एक क्वेश्चन आईडी में जरूर आ। ये आपके पैराबोलिक ग्राफ है, ये आपके ग्राफ जो है वाई बराबर ये एक्स स्क्वायर इक्वेशन के है। यदि आपका के इज ग्रेटर देन जीरो है तो ये आपका ऊपर आता है, और यदि के इज लेस देन जीरो है तो आपका नीचे की तरफ आता है। ये भी आपका जैसे वाई इज इक्वल टू मान लो के टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये वाई इज इक्वल टू केवल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। यहाँ पर जो है के टू इज ग्रेटर देन केवल इज ग्रेटर देन जीरो आपका रिलेशन। मैथ से सब चीजें आप लोग डिराइव कर सकते हैं, मैथ से वहां पर ग्राफ वगैरह बहुत डिटेल में होता है, तो वहां पर आप ये सब चीजें देख सकते हैं। ये आपके जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन के x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे k इज ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पर k इज लेस देन जीरो, और यहाँ पर भी जो आपका k जो है k वन इज ग्रेटर देन k टू है इज ग्रेटर देन, ये आपके नॉर्म्स पे फॉलो होते हैं। ये भी एक तरीके का आपके हाइपरबोलिक इक्वेशंस हैं, पैराबोलिक इक्वेशंस हैं, जिसमें आपका ये रिलेशंस चलेंगे। अब हम हाइपरबोलिक ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ये जो है आपके हाइपरबोलिक ग्राफ है, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मान लो आपकी एक ये वैल्यू वाई टू है, ये वैल्यू आपकी वाई वन है, अब जो है हम e की पावर x और e की पावर माइनस x के भी ग्राफ जो है वो डिस्कस करेंगे। आपके जो ग्राफ है y बराबर e की पावर x का ग्राफ है, ये y बराबर e की पावर माइनस x का ग्राफ है, ये y बराबर log बेस 10 x का ग्राफ। तो इन ग्राफ के बेसिस पर अब जो है हम लोग जैसे p v के बीच में किस किस तरीके ग्राफ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इन सबका हम डिस्कशन करेंगे। तो आपके जो है पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वेशन ये ग्राफ कैसे, तो पहले आप इन ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करिए वीडियो को नहीं स्टॉप करके, और उसके बाद इनका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट लॉग ले लें, लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल्स टू क्या हो गया लॉग के, उधर ले जाए लॉग पी इक्वल्स टू लॉग के माइनस लॉग वी डिवाइड आप जानते हुए तो वन अपॉन बी जीरस टू आप एक्स रख लें, इसको आप वाई मान लें, वाई जीरस टू के एक्स स्क्वायर, तो आपका ग्राफ इस तरीके आता है अपॉन के एक्स स्क्वायर का, ठीक है। जीरस टू कॉन्स्टेंट है तो आपका ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी वन पर, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर के साथ भी आप करें तो स्ट्रेट लाइन आएगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी वन और टी वन मास। ये आपके पी वी के ग्राफ। उसके बाद आप जब आईडी गैस इक्वेशन पूरी पढ़ लेंगे पी वी इज टू एन आर डी, तो उसमें आपको इनके स्लोप वगैरह कैलकुलेशन के भी सवाल इनमें बन सकते हैं आईडी गैस इक्वेशन। सो नाउ वी विल डिस्कस ए क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एक आपका जो मर्करी से भरा हुआ कॉलम है जिसकी हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पे आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये, ठीक है। तो इसमें आपको ए बी सी तीन पॉइंट्स पर जो है प्रेशर निकालना, तो आपका जो ए पॉइंट है उसमें जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, बी पॉइंट पर कितना होगा, ये आपको एटीएम में होगा व्हाट इज द प्रेशर ऑन दिस पॉइंट पी ए बी बी एंड पी सी इज इक्वल टू बी। तो आप
कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की पहले वीडियो को स्टॉप करके। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है इस पे जो प्रेशर होगा ये आपका होगा 180 क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एयर का प्रेशर है। ठीक, यहाँ पर देखिए एक चीज को ध्यान रखिए, ऊपर वाले जो होते हैं वो नीचे वाले का प्रेशर लगा, ठीक है, नीचे वाले जो होते हैं वो ऊपर वाले का प्रेशर नहीं लगा। तो आपका जो बी पॉइंट है इस पे ऊपर की जो ये लेयर है इसका प्रेशर लगा होगा, मिड पॉइंट है यहाँ पर 76 का हाफ आपका हो जाएगा और आप जानते हैं कि 180 इक्वल टू कितना होता है 760 mm ऑफ एच। ठीक है, तो यहाँ पे पीवी का कितना लगा 1+0.5 दैट इज इक्वल टू 1.5 और आपका जो सी पॉइंट है इस पर एयर का ही प्रेशर होगा प्लस 1+1 दैट इज इक्वल टू 2.8। तो गैसेस के प्रेशर में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ पर जो प्रेशर होता है गैस का जो प्रेशर होता है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी होता है, लिक्विड्स का जो प्रेशर होता है वो उनके मास की वजह से, उससे ऊपर जितना मास है उसकी वजह से बी पॉइंट होता है। ठीक है, तो लिक्विड और गैस के प्रेशर के बिल्कुल अलग अलग क्राइटेरिया। तो ये क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ अ बबल ऑफ टैंक वाज शोन बिलो फाउंड टू बी 1 cm, देन फाइंड द रेडियस ऑफ बबल एट द सरफेस ऑफ वाटर कंसीडरिंग द टेंपरेचर ऑफ द सरफेस एंड द वाटर बीइंग सेम। कि भाई एक बबल है यहाँ पर जो इस हाइट के वाटर के टैंक में है और जब वो सरफेस पर आ जाता है तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो यहाँ पर जो प्रेशर है ये आपका P2 मान लेते हैं, यहाँ पर ये P2 क्या हो जाएगा 1 atm और यहाँ पर क्या होगा प्रेशर 1 atm तो होगा, यहाँ पर प्लस इस हाइट का प्रेशर भी हो जाएगा, तो P1 इक्वल क्या हो जाएगा 1 atm प्लस आपका इस हाइट का प्रेशर निकाल लीजिए आप HBG से, ठीक है, और उसको आप एटीएम में कन्वर्ट करो। तो 1 atm कितने पास कर होते हैं 1.01325×10^5 पास, ये जाएगा 1 atm प्लस 10.336×d होता 13.6×10^3 g 9.8/1.01325 10^5, तो ये आपका 1 atm आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 atm। आप यहाँ पर जो रेडियस है आपकी वो कितनी है 1 cm, तो P2 इज इक्वल टू P1 V1, ठीक है, तो P1 V1 कितना आपका P1 है 2 atm और रेडियस आपकी कितनी है, वॉल्यूम कितना था 4/3 πr³, ठीक है, ये आपका कितना हो गया 1³। यहाँ पर जो है प्रेशर आपका कितना है 1×4/3 πr³, मान लो r² की क्यूब हो गए रेडियस आपकी, तो 4/3 π से 4/3 π कैंसिल, तो r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 r² तो r² इज इक्वल टू √2 cm आपकी रेडियस जो है वो हो जाएगी। तो इस तरीके के अच्छे अच्छे सवाल जो है बायोस्लॉप पर बनते हैं।